नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबर को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में धांधली पर सरकार होगी सख्त। लालू की जमानत रद्द करवाने सीबीआई पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट। रेमडेसिविर की आपूर्ति हेतु 5 कंपनियों से सरकार की जारी है बातचीत। ईवीएम विवाद खत्म होने के बाद अब कभी भी हो सकता है तारीखों का ऐलान। अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना के साथ ही आज दिया जाएगा पहला अर्घ्य। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में धांधली पर सरकार होगी सख्त। राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट से लेकर नियोजन पत्र देने तक धांधली की बात सामने आती रहती है, मगर अब शिक्षा विभाग इन धांधलियों पर सख्त रवैया दिखाने के मूड में है। विभाग द्वारा शिक्षक बहाली प्रक्रिया में पूरी तरह से बदलाव करने की तैयारी हो रही है। इसके तहत आवेदन लेने से लेकर मेरिट लिस्ट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और साथ में अभ्यर्थियों की परेशानी भी दूर होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक सातवें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे एक बड़ा फायदा अभ्यर्थियों को भी होगा, जिसके तहत सेंट्रलाइज आवेदन हो जाने के बाद अभ्यर्थी को कई जगह जाकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इससे समय और पैसे की बर्बादी नहीं होगी और साथ ही आवेदन की प्रक्रिया फुल प्रूफ होगी। पटना एम्स ने निकाली रिक्तियां। राजधानी पटना में स्थित एम्स में अकाउंट ऑफिसर, एडवाइजर, एई व टेक्नीशियन के कुल 24 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। इनके लिए योग्यता पदों के अनुसार ही मांगी गई है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मई 2021 तक है। आवेदक www.aimspatna.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नौकरी का स्थान पटना ही होगा। इसके साथ ही आप अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। ऑक्सीजन स्टॉक खत्म होने पर अस्पताल अधीक्षक ने लगाई कार्यमुक्त होने की गुहार। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों में भी बेड और ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं। इस बीच पटना के NMCH यानी कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक ने अस्पताल की बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए प्रभार से कार्यमुक्त होने का फैसला ले लिया है। इस क्रम में उन्होंने एक पत्र स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को लिखा है, जिसमें उन्होंने NMCH के अधीक्षक के रूप में उन्हें दिए गए अतिरिक्त प्रभार से कार्यमुक्त करने की गुहार लगाई है। अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को NMCH की जगह पटना के दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है, जिससे संस्थान में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है और मरीजों की जान जाने की संभावना हो सकती है, जिसके बाद आरोप और जवाबदेही अधीक्षक पर होगी। इसलिए वे अतिरिक्त प्रभार से कार्यमुक्त होना चाहते हैं। चैत्र नवरात्र के छठे दिन हुई कात्यायनी देवी की पूजा। सूबे में कोरोना महामारी के बीच भी लोगों की आस्था बरकरार है। इस क्रम में लोग बाग अपने घरों में आज चैत्र नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां कात्यायनी देवी छठे स्वरूप की देवी हैं, जिन्हें चार भुजाएं होती हैं। एक हाथ में माता ने खड़ग तो दूसरे हाथ में कमल पुष्प लिए हुए हैं। अन्य दो हाथों में माता वड मुद्रा में अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत ही दयालु और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला होता है। मान्यता है कि मां कात्यायनी देवी की पूजा करने से कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। वैक्सीन पहुंचने के बाद बढ़ी टीकाकरण की रफ्तार। राज्य में शुक्रवार को ही वैक्सीन की 2 लाख डोज मिलने के बाद बीते दिन शनिवार को कोविशील्ड वैक्सीन के 2.60 लाख डोज पहुंचे, जिसके बाद टीकाकरण में तेजी देखने को मिली। शनिवार को ही 1.20 लाख लोगों ने टीकाकरण कराया, जिसके बाद राज्य में टीका लेने वालों की संख्या बढ़कर 57.83 लाख हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य में टीके की आपूर्ति लगातार हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार का सर्वाधिक ध्यान 45 से 59 के उम्र के लोगों के टीकाकरण पर है। आपको बता दें कि बिहार में अभी तक कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों की संख्या 57,83,260 हो चुकी है। अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना के साथ ही आज दिया जाएगा पहला अर्घ्य। बिहार की लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का आज तीसरा दिन है। इसी के साथ आज अस्ताचलगामी सूर्य यानी कि डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। खरना का दिन खत्म होने के बाद से ही छठ व्रती इस दौरान 36 घंटे का कठिन निर्जल व्रत रखते हैं और इस दौरान ही छठ घाटों में पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य समर्पित कर पूजा करते हैं। इस दौरान छठ के कर्णप्रिय लोकगीत माहौल को भक्तिमय बना देते हैं। हालांकि महामारी को देखते हुए प्रशासन ने इस बार छठ पूजा घरों में ही मनाने की अपील की है। लालू की जमानत रद्द करवाने सीबीआई पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट। चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव को पटना हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने के खिलाफ सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इसकी तैयारी भी सीबीआई ने शुरू कर दी है, जिसके तहत जल्द ही अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई याचिका दायर करने वाली है। इसके तहत सीबीआई लालू यादव के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 427 को आधार बनाते हुए जमानत रद्द करवाने की अपील कोर्ट से करेगी, जिसके प्रावधान के मुताबिक किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में दोषी करार
करार देते हुए सजा सुनाई जा सकती है। दरअसल सीबीआई का कहना है कि लालू यादव को घोटाले के 4 मामले में अलग अलग सजा हुई है और सीबीआई कोर्ट ने सभी सजा को एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया है। सीबीआई का कहना है कि सीआरपीसी की धारा के तहत उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। राजधानी पटना में प्राइवेट एजेंसी संभालेगी अंतिम संस्कार का जिम्मा। पटना नगर निगम अब श्मशान घाटों को प्राइवेट एजेंसियों को सौंपने की तैयारी में है, जिसके तहत एजेंसी के स्टाफ ही लाशों के अंतिम संस्कार, मंत्रोच्चारण आदि सारे काम कराएंगे। पटना नगर निगम के मुताबिक बांस घाट, गुलबी घाट और खाजे कला घाट के विद्युत शवदाहगृह को एजेंसी के माध्यम से चलाया जाएगा, जिसे अभी तक नगर निगम के कर्मी ही चलाते आ रहे हैं। दरअसल निगम को कई बार शिकायत मिली कि जानबूझकर मशीन को खराब कर दिया जाता है ताकि लोगों से पैसों की वसूली की जा सके। इस मामले में नगर निगम के आयुक्त की माने तो इसी महीने के अंत तक तीनों शवदाहगृह के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसकी जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसियों को सौंप दी जाएगी। लोजपा सांसद वीना देवी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, हर दिन आ रहे कोविड-19 के मामले अब डराने लगे हैं। इसी बीच लोजपा सांसद वीना देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हाल ही में एक पत्र जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने अगस्त 2020 में जो बिहार के मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डा परिसर में 500 बेड के कोविड-19 के अस्पताल की स्थापना करवाई गई थी, उसे दोबारा से शुरू करने की बात कही है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि इस अस्पताल के बन जाने से कई लोगों की जान बचाई गई थी। संक्रमण कम होने के बाद डॉक्टरों की टीम वापस चली गई थी। दुर्भाग्य से कोविड-19 की दूसरी लहर भयावह रूप लेती जा रही है, मरीजों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है, जिसके कारण बेड नहीं मिल रहे हैं। ईवीएम विवाद खत्म होने के बाद अब कभी भी हो सकता है तारीखों का ऐलान। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने को लेकर भारत निर्वाचन व राज्य निर्वाचन आयोग के बीच मामला सुलझ गया है और राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए आधिकारिक बयान को भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाले M2 EVM से ही पंचायत चुनाव होंगे। आपको बता दें कि M2 EVM सिंगल पोस्ट EVM है। पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए हर बूथ पर 6 अलग अलग EVM का इस्तेमाल होगा। इसके लिए बनने वाले अनुमानित 1,20,000 बूथों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को लगभग 7-8 लाख ईवीएम की जरूरत होगी, जिसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। ईवीएम मसला साफ हो जाने के बाद अब कभी भी तारीख की घोषणा की जा सकती है। रेमडेसिविर की आपूर्ति हेतु 5 कंपनियों से सरकार की जारी है बातचीत। बिहार में रेमडेसिविर की कोई कमी ना हो, इसे देखते हुए सरकार 2 की बजाय 5 कंपनियों से रेमडेसिविर की आपूर्ति करवाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग 5 निर्माता कंपनियों से बात कर रहा है। इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार में अभी हेट्रोफार्मा और सिप्ला कंपनियां रेमडेसिविर की आपूर्ति करती है। यह दवा हेट्रोफार्मा, सिप्ला के साथ ही माइलन, कैडिला और रेड्डी फार्मा द्वारा भी बनाई जाती है। इसे लेकर इन तीनों कंपनियों से भी सरकार रेमडेसिविर की आपूर्ति करने के लिए संपर्क साध रही है। कोरोना से बचने के लिए अपने खान पान में इन्हें करें शामिल। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं और जरा सी लापरवाही आपको इसका शिकार बना सकता है। ऐसे में आप मास्क लगाने, सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अच्छी डाइट लेकर अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। इसके बारे में बताते हुए WHO ने भी बताया है कि अपनी डाइट में कई तरह के ताजे फल और अनप्रोसेस्ड फूड शामिल करने चाहिए, जिससे आपको जरूरी विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट मिल सके। हर दिन कम से कम 2 कप फल, 2.5 कप सब्जियां, 180 ग्राम अनाज और 160 ग्राम मीट और सेम खाएं। हफ्ते में 1-2 बार रेड मीट और 2-3 बार चिकन खा सकते हैं। हल्की भूख लगने पर कच्ची सब्जियां और ताजे फल खाएं। सब्जियों को ज्यादा पका कर ना खाएं, वरना इसके जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। अगर आप डिब्बा बंद फल या फिर सब्जियां खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि उनमें नमक और शक्कर ज्यादा ना हो। इसके साथ ही ज्यादा मात्रा में पानी पीकर अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। IPL में आज होने जा रहे हैं 2 मुकाबले। IPL 2021 में आज रविवार को 2 मैच खेले जा रहे हैं। पहला RCB बनाम KKR होगा और दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम PBKS के बीच होने वाला है। इस बार के IPL में पहली बार मैच का डबल धमाल होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले से चेन्नई के चेपक स्टेडियम पर दोपहर 3:30 बजे शुरू हो गई है। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज शाम ही 7:30 बजे से खेला जाएगा। देश भर में एक्टिव केस हुए 18 लाख के पार। देश भर में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। लगातार चौथे दिन 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,61,500 नए कोरोना केस आए हैं और 1,501 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि देश भर में 1,38,423 लोग कोरोना से ठीक भी हो गई हैं। वहीं अगर हम बात करें अपने बिहार की, तो बीते 24 घंटे में 7,870 नए मामले आए हैं, जिनमें सबसे अधिक पटना में
1898 मामले सामने आए हैं। वहीं उसके बाद गया में 610 नए कोरोना के मामले आए हैं, जिसके बाद बिहार में कुल एक्टिव केस 39,497 हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आज शाम होने वाले IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स 11 में किस टीम का पलड़ा भारी है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।